शराब और ड्रग्स के नशे में धुत ये एक्टर पिता से रहता था नाराज, इस वजह से लगी थी लत। निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म मुल्क बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार रिलीज हो गई है। वाराणसी की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में ऋषि कपूर ने मुराद अली मोहम्मद का किरदार निभाया है, जबकि प्रतीक बब्बर उनके भतीजे के किरदार में हैं जो रास्ते से भटक जाता है। फिल्म प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में प्रतीक बब्बर ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं। बॉलीवुड में जहां एक्टर्स किसी भी तरह के नशे की आदत को छुपाते हैं, वहीं प्रतीक बब्बर ने इस पर खुलकर बात की है। नव भारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में प्रतीक बब्बर ने कहा कि बचपन से मेरे जेहन में कई सवाल थे जिसका जवाब नहीं मिलता था। मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा कहाँ है, जैसे कई सवाल थे जिनका जवाब मैं चाहता था। सही रास्ता नहीं मिलने पर मैं खुद को तबाह कर देना चाहता था। प्रतीक बब्बर ने आगे कहा कि मुझे हर किसी से नफरत हो गई थी, परिवार, दोस्त, काम, दुनिया, हर किसी से। उस दौरान मैंने अपने आप को खो दिया। मैं अपने हालात को स्वीकार नहीं कर पाया। मेरे पिता से बनती नहीं थी, वह मेरी कई बातें टाल जाते थे और मुझसे नाराज रहते थे। अपने बारे में मैं उन्हें सारी बातें बताता था, इसके बावजूद ये होता गया। प्रतीक ने कहा कि जब मैं सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तब भी उनको पता था। मैं शराब और ड्रग्स लेकर आता था तब भी उनसे कह देता था कि मैं ऐसा ही हूँ, आप मुझे अच्छा समझें या बुरा, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। वह मुझ पर काफी गुस्सा हुआ करते थे, उस वक्त वह मुझसे काफी नाराज रहा करते थे। प्रतीक बब्बर ने फिल्म जाने तू या जाने ना से इंडस्ट्री में फिल्मी डेब्यू किया था। फिल्म के लिए प्रतीक को फिल्म फेयर स्पेशल जूरी अवार्ड सर्टिफिकेट मिला था। मुल्क के बाद प्रतीक बब्बर की आने वाली फिल्म अभी तो पार्टी शुरू हुई है और यारम है।